दोस्तों यूं तो आधार बैंकिंग का नियम दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। इसमें से एक और नया जो है आधार बैंकिंग में परिवर्तन देखने को यह मिला हुआ है, जो कि जो है वो है ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। यानी कि अगर आप एक मंथली लिमिट जो है आपको मिलता है बैंक की तरफ से, अगर उस लिमिट को ट्रांजेक्शन्स को अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपका जो है ट्रांजेक्शन्स उस मंथ के अंदर में नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन डिजिटल बैंकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की अलग अलग जो है बैंक अलग अलग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड करते हैं एपीएस का मंथली के अंदर में, यानी कि स्टेट बैंक की बात करें तो आपको जो है 4 ट्रांजेक्शन ही मिलता है और कैश विड्रॉलिंग का लिमिट जो होता है 25,000 से 30,000 रुपए तक का होता है। यहाँ पे अगर पेमेंट बैंक की बात की जाए तो पेमेंट बैंक में आपको प्रत्येक पेमेंट बैंक में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है 10 मिलते हैं और आपको जो है कैश विड्रॉलिंग का लिमिट मिलता है एक महीने के अंदर में, वो है 50,000 रुपए तक का। तो यहाँ पे बात किया जाए कि अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है आप काउंट करते हैं तो कैसे काउंट किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो लिमिट जो मिलता है बैंक की तरफ से, जैसे कि स्टेट बैंक की बात करें या अन्य पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, तो यहाँ पे मंथली लिमिट जो है 4 या 5 मिलता है, तो उसमें से आपको 25,000 से 30,000 रुपए महीने के अंदर निकालना होता है। चाहे आप एक बार के ट्रांजेक्शन में आप 100 रुपये निकालते हो या दूसरे में जो है 100 रुपये निकालते हो, यानी कि अगर महीने में आपको 4 लिमिट मिला हुआ और आपने 100-100 रुपये करके 4 बार कैश विड्रॉल कर लिया, तो वहाँ पे आपका जो है लिमिट समाप्त हो जाता है, चाहे आपने अमाउंट कितना हुई निकाला हो। यहाँ पे हम पेमेंट बैंक की बात करें तो सेम कंडीशन लागू होता है, आपको जो है 10 ट्रांजेक्शन मिलता है नंबर ऑफ कैश विड्रॉलिंग का और वहाँ पे आपको लिमिट जो मिलता है अमाउंट का 50,000 रुपये मिलता है। यानी कि अगर आप 500 करके आप 10 ट्रांजेक्शन कर लिए महीने के अंदर में, चाहे आपने मतलब यहाँ पे 5,000 रुपये ही विड्रॉल किया, तो आपका लिमिट जो है समाप्त हो गया। अब आप अगले महीने में कैश विड्रॉलिंग का प्रक्रिया कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात करें हम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पे देखने को ये मिला हुआ है कि जितने भी ट्रांजेक्शन जो होते हैं, कभी कभी क्या देखते हैं आप सर्वर का एरर देखते हैं एपीएस के माध्यम से, तो आपका जो है ट्रांजेक्शन जो है फेल्ड हो जाता है, यानी कि जो अमाउंट जो है कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो जाता है और रिटेलर्स के अकाउंट में जो है क्रेडिट नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में जो रिटेलर्स कैश नहीं दे सकता है कस्टमर्स को। और इसका कंडीशन ये भी है कि जितना अमाउंट आपके जो अकाउंट से डेबिट हुआ है कस्टमर के अकाउंट से, वो विद इन 5 डेज या 1 वीक के अंदर में कस्टमर के अकाउंट में रिफंड चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी जो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहे हैं और उसका भी जो है ट्रांजेक्शन जो है काउंट हो रहा है, यानी कि मान लीजिए कि आपने कैश विड्रॉलिंग करने की कोशिश की, अगर आप एक कस्टमर हैं तो आपका जो है कैश जो नहीं निकला, यानी कि रिटेलर्स के अकाउंट में कैश पैसा जो है क्रेडिट नहीं हुआ, तो आपका जो पैसा जो रिफंड वो चला जाएगा, लेकिन आपका जो है ट्रांजेक्शन में काउंट हो रहा है, यानी कि वो फेल्ड ट्रांजेक्शन भी कस्टमर्स के ट्रांजेक्शन जितना भी लिमिट मिल रहा है बैंक की तरफ से उसमें जो काउंट हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे बात करें तो आपका जो कैश विड्रॉलिंग का प्रक्रिया है, चाहे आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाए या फेल्ड हो जाए, यहाँ पे जो है बैंक काउंट कर ले रहा है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और उस महीने के अंदर में आप कैश विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। यानी कि साफ साफ बात यह है कि फेल्ड ट्रांजेक्शन भी अब बैंक काउंट कर रहा है, यानी कि मान लीजिए कि आपको 5 ट्रांजेक्शन मिला हुआ है बैंक की तरफ से कैश विड्रॉलिंग का और 25,000 से 30,000 रुपये तक का महीने का लिमिट है, तो अगर आपने जो है 2 ट्रांजेक्शन सक्सेस कर लिए हैं महीने के अंदर में और तीसरा ट्रांजेक्शन जो है आपका फेल्ड हो गया, पैसा यानी कि फंस गया, यानी रिटेलर्स के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो आपका वो तीसरा ट्रांजेक्शन भी जो है काउंट हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड जो है वो ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि मशीन जो है काउंट कर लेगा कि आपके अकाउंट से जो पैसा डेबिट हो गया है, तो वो रिफंड तो करेगा ही लेकिन वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में भी काउंट हो जा रहा है। तो बात यहाँ पे यही है, तो आपको जो है ट्रांजेक्शन करना है वो बहुत ही सावधानी के साथ करना है, यानी कि अगर आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं एपीएस के माध्यम से, तो आप रिटेलर से ये पूछें कि अभी जो है बैंक का लिंक है या नहीं है, आपका जिस बैंक से अकाउंट जो है लिंक है आधार से और उस सर्विस का आप लाभ ले रहे हैं। तो वीडियो में यही था इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन दिखेगा उसको ऑल भी प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।